तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टर मास्टर एसके पी पर। दोस्तों, डाक कर्मयोगी की ट्रेनिंग चली हुई है। इसमें हमारे डाक कर्मयोगी की आईडी बनी हुई है, परंतु उसका पासवर्ड रिसेट नहीं है, पासवर्ड हमें मालूम नहीं है, हमारी जो प्रोफाइल है वो अपडेट नहीं है। तो मैं आपको आज आपकी प्रोफाइल अपडेट और पासवर्ड रिसेट करना बताऊँगा। तो सबसे पहले आप डाक कर्मयोगी पोर्टल खोलेंगे, जिसका लिंक ये है आपका dakarmayogi.gov.in। पोर्टल खुलने के बाद दोस्तों आपकी ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपको साइन इन करना है, उसके बाद आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ आप अपना आईडी, जो आपका आईडी है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड और सेंड ओटीपी। आप जो आपका ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल पर चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ओटीपी फिल करना है। तो दोस्तों, ओटीपी आने के बाद आप यहाँ अपना ओटीपी फिल कर देंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। रिसेट होने के बाद आपको करना क्या है, आपको फिर दोबारा साइन इन करना है और अपनी यहाँ अपनी आईडी डालनी है। आईडी आपका पासवर्ड रिसेट होने के बाद आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा PTC@1509, ये आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद वैलिडेट करना है और उसके बाद ऑन साइट ट्रेनिंग पर क्लिक करके साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ अपना पासवर्ड बदल लेना है, जो मैंने बताया PTC@1509 वो आपका करंट पासवर्ड होगा। उसके बाद आप अपना पासवर्ड बदल लेंगे। सेव, आपका पासवर्ड चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, अपडेट प्रोफाइल पे जाना है। अपडेट प्रोफाइल में आपका यहाँ नाम, जेंडर और आपका कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना डिवीजन, रीजन बरेली, डिवीजन बागपत, एंड उसके बाद आपका स्टेटस जो भी है, पीए है, एमटीएस है, जीडीएस है। ठीक है, आपकी हॉबी वो फिल कर देनी है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यस। आप अपना एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी ऑलरेडी है, आप इसमें अपनी हाइट डाल देंगे, वेट डाल देंगे आप, आई कलर, ब्लड ग्रुप एंड एनी अदर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो और आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है वो आपको फीड कर देने हैं। ये फीड करने के बाद आपको दोस्तों सबमिट करना है। ये आपकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो दोस्तों, आपको नॉमिनेट करने के बाद आपके मंडलीय कार्यालय द्वारा, आपके ट्रेनर द्वारा आपको नॉमिनेट किया जाएगा। नॉमिनेट करने के बाद आपको एनरोल नाउ करना है, उसके बाद आपको क्लिक हेयर, उसके बाद आपको पोस्ट नेम, पार्सल डीपी और आपको ट्रेनिंग मेमो नंबर वो डाल देना है, और यहाँ आपको जिस दिन आपकी ट्रेनिंग है वो डेट डाल देनी है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। यह आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको अपनी आईडी पुनः डालनी है, पासवर्ड डालना है, और यहाँ आपको आईपी एड्रेस डाल देना है। यह आपको आईपी एड्रेस डालना है, उसके बाद वैलिडेट कैप्चा, ऑन साइट ट्रेनिंग एंड सिग्नल। यह आपको आपके ट्रेनर द्वारा ऐड कर दिया गया है डीपी ऑन साइट के लिए, आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ आपकी वीडियो चलेगी। उसके बाद वीडियो चलने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, ये आपको बताया जाएगा, आपकी वीडियो के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है, इसी तरह वीडियो चलती रहेगी, आपको नेक्स्ट करते करते आगे बढ़ना है। सभी वीडियो ध्यान से देखनी है ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके।
इसके बाद दोस्तों जब वीडियो देख लेंगे आप एक स्टेज पर कुछ क्वेश्चन बाद आपको क्लिक एयर फॉर प्रैक्टिस टेस्ट, आपका प्रैक्टिस टेस्ट आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना है ठीक है। इसमें 60% जो मार्क्स है आपके अनिवार्य है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी जो आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी।